वर्णम कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुष्ट विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयुष प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थम स्मार्केच मधुसूदन, अर्थात जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया यह ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक पल या अमृत वेला, सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वह चमत्कारिक समय, जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पालेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल्स में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर हवर भी कहा गया है और यह कोई जादू टोने की या अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में, और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूँ। मेरा जो रूटीन है रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। डिस्कशन और प्लानिंग सुबह 3 से 6 के बीच, आप इतना करके देखिए आपके घर से तकलीफें दूर चले जाएंगी, लड़ाइयां दूर चले जाएंगी, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म। Mark Wahlberg wakes up at 2:30 a.m. Michelle Obama is at the gym at 4:30. Tim Apple wakes up at 3:45. Dwayne The Rock Johnson is bold. ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। यह हम आपको मनुस्मृति से दिखाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंते कायक्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्त्वार्थमेव च, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाले वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहला है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे के 1 दिन में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं जिसकी सूची हम आपको दिखाते हैं। इसमें 29वें क्रम का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करे, और ऐसी एकाग्रता में, पूरे लय में, स्टेट ऑफ फ्लो में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं, लेकिन हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्रकाल है जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस काल जिसमें हमें किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल
जिसमें हमें गहरी नींद आती है, और 3 से 6 बजे मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है, और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंट में इसका असर देखने लगेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक जेके रॉलिन बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाजों से छुटकारा पाकर फोकस के साथ लिख सके। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती है, और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है? सुबह के समय एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते ही है कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्व से बना है, और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो वात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन वात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो यह जो वात शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है, जिसका प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। और सबसे खास बात, इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं, जिससे हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे समय हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है। अनाहत का समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश प्रतीक है अनंतता का, जो हमारी रचनात्मकता को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो तैरने में काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने
बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है, बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।